वेरी गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। हम लोग अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, शब्दार्थ भी कर लिए थे, आपको याद हो गए होंगे, मौखिक क्वेश्चन भी आपने लिख लिए होंगे और आपने सही विकल्प भी कर लिया था। कल हमने इतना कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जापान देश में हेनरी नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास एक शानदार अरबी घोड़ा था। हेनरी उसकी देखभाल करता था। उसने अपने बगीचे में घोड़े के लिए छोटा सा घर बना रखा था। घोड़ा भी बड़ी लगन से अपने मालिक की सेवा करता था। धीरे धीरे घोड़ा बूढ़ा हो चला। अब उससे अपने स्वामी की उतनी सेवा नहीं होती थी। हेनरी को उसका दाना पानी अखरने लगा। एक दिन उसने अपने बूढ़े घोड़े को बाग से बाहर खदेड़ दिया। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, हेनरी कहाँ रहता था? तो हेनरी जापान में रहता था। घोड़ा बड़ी लगन से क्या करता था? तो घोड़ा बड़ी लगन से हेनरी की सेवा करता था। एक दिन हेनरी ने क्या किया, एक दिन बूढ़े घोड़े को घर से बाहर खदेड़ दिया। तो यहाँ इसमें लिखा हुआ है बाग के बाहर खदेड़ दिया, तो हमें आंसर देना पड़ेगा बाग घोड़े को बाग से बाहर खदेड़ दिया। ठीक, यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या किया था, हाँ यहाँ पे भी था बाग को बाग के बाहर खदेड़ दिया। तो ये सही कर लेंगे आप लोग। इसके बाद है आपका उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये शब्द हमको दिए हैं, इनका यूज़ हमें इनमें करना है, तो हम देख लेते हैं, आज ये वाला भी कर लेते हैं। घोड़ा बेचारा भोजन की तलाश में फिरने लगा। तो मारा मारा फिरते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, तो मारा मारा फिरने लगा, तो हम लोग ये वाला इसको कर देंगे फर्स्ट। और धूप के कारण रस्सी गल सड़ गई थी। तो बारिश और धूप के कारण, तो यहाँ पे बारिश कहाँ है, ये रहा बारिश, इसको टू लिख देंगे और इसके अंदर आप लिख देंगे बारिश। भूख से व्याकुल हेनरी का बूढ़ा घोड़ा उधर आ निकला। जहाँ पे मतलब वो रस्सी टंगी हुई थी ना, तो भूख से व्याकुल हेनरी का बूढ़ा घोड़ा, तो किसका था वो, तो इसमें लिखा है हेनरी, यानी कि ये थर्ड नंबर का हो जाएगा। राजा की बात सुनकर हेनरी का सिर शर्म से झुक गया। ये वाला जो बचा हुआ था फोर्थ नंबर का, तो ये भी हमने कर लिया। अब है सही कथन के आगे सही का तथा गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। हेनरी के पास एक अरबी कुत्ता था। तो याद कीजिए, कुत्ता था नहीं, क्या था, घोड़ा, इसलिए हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है ना, ऐसे भर लेंगे। राजा के महल के बाहर बहुत सुंदर बगीचा था। बिल्कुल सही बात है, राजा के महल के बाहर बहुत सुंदर बगीचा था, तो ये राइट हो जाएगा, तो ऐसे राइट लगा देंगे। राजा के जाने के बाद पहरेदार ने रस्सी खींचकर तोड़ दी। तो हमने जब पढ़ा था, रीड किया था, तो बिल्कुल सही बात है, हाँ जी। राजा ने हेनरी को बुलावा भेजा। तो राजा ने बुलाया था, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी सही हो गया। हेनरी ने राजा से माफ़ी नहीं मांगी। यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं मांगी, तो यहाँ पर अगर आप हम लोग देखेंगे लास्ट में, ये देखिए, राजा की बात सुनकर हेनरी का सिर शर्म से झुक गया। उसने राजा से माफ़ी मांगी। वह घोड़े को घर ले आया और उसकी भली प्रकार देखभाल करने लगा। तो मांगी है ना, यानी कि राजा से माफ़ी नहीं मांगी, तो ये गलत है, यानी कि यहाँ पे आप रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये आज के लिए इतना काफ़ी, हमने पढ़ लिया, पेज नंबर 22 कंप्लीट कर लिया। आप भी अपनी बुक में कंप्लीट कर लेंगे, और अगर नोटबुक में लिख रहे हैं तो आप अपना फॉर्मेट डाल के शब्दार्थ वगैरह लिख के पूरा कंप्लीट करके मौखिक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कीजिए। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।